हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आज क्या बना है? कुछ यमी और कुछ टेस्टी, और साथ में हेल्दी तो होना चाहिए। सो इसमें देखते हैं माय रेसिपी बुक। क्या बना है? अरे वाह, क्या मिला मुझे, आप भी देखो। सो गाइस, एक चीज दिखाता हूँ आपको। 3 2 1। सो गाइस, ये है आज का मेन इंग्रेडिएंट्स जो है बैंगन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने किचन में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। हमारे इंग्रेडिएंट सबसे पहले है ये टमाटर, जो हमको पूरा लेना है। फिर उसके बाद है ये धनिया, ये कटा हुआ हरा मिर्च, ये कटा हुआ गाजर, ये कटा हुआ प्याज, और ये कैप्सिकम, और ये है लहसुन, हरा लहसुन है। फिर उसके बाद है ये पेस्ट, जो हमने लहसुन और अदरक की है, जिसमें से हमने थोड़ा सा जीरा उसमें ऐड किया था, और जैसा आप पसंद करें वैसा। ये सॉल्ट और ये लहसुन की कली। सो गाइस, ये रहे हमारे मसाले, क्योंकि इसके बिना टेस्ट बेकार है। सो गाइस, इसको तो हम रह गए, ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लेंगे पहले ये बैंगन, इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमने वॉश किया, और अब अच्छे से कॉटन से इसको हम साफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं, मैंने एक प्लेट ली है, इसमें लहसुन की कली अलग से कर ली थी मैंने। सो गाइस, अभी हम लेंगे ये बैंगन, जिसको हम कट करेंगे कुछ इस तरीके से। हम कट करेंगे, सो गाइस, अभी हम ये लहसुन की कली को हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ इस तरीके से। सारी की सारी हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके लहसुन की कली को इसके अंदर डाल दिया है। सो अभी हम करेंगे गैस ऑन। सो इसको हमको हाई फ्लेम पे इसको रोस्ट करना है कुछ इस तरीके से। गाइस, आप देख सकते हैं इसको अभी हमको 5 मिनट के लिए और रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं इसमें से, लेकिन अभी ये कच्चा है, इसको 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है। सो गाइस, अभी हम इसको कर देंगे टर्न, क्योंकि इसको चारों ओर से हमको रोस्टेड करना है, ताकि किसी भी जगह से कच्चा ना रहे। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। सो अभी कर देंगे गैस ऑफ, और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हो गया है। सो गाइस, अभी हम इसको 1 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। सो गाइस, अभी हम इसका ऊपर का निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। हम निकाल लेंगे, इसको रख देंगे हम साइड पे। अभी हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं इसकी ये जो पपड़ी आती है ना, वो निकाल देंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कितना ये हॉट है। सो ध्यान से करना, कोई जले नहीं। सो गाइस, अब हम लेंगे एक नाइफ, जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले ये जो लहसुन की कली थी ना वो डाली थी, वो हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम। सो गाइस, अभी हम कट कर लेंगे इसको। सो गाइस, हमने ये जो लहसुन की कली डाली थी उसका जो छिलका है ना, अब हम निकाल लेंगे। फिर हम इसके अंदर ही डाल देंगे।
आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे। सो गाइस अभी हम कर लेंगे गैस ऑन। अभी हमने जो आपको बताया था स्टार्टिंग में इंग्रेडिएंट्स में जो टमाटर था पूरा उसको हम लेंगे, फिर इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना, फिर इसको लेंगे, फिर ये से फोक की मदद से डाल देंगे हम, फिर इसको भी हम करेंगे रोस्ट 2 मिनट के लिए। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा टमाटर रेडी हो चुका है पक के। सो गाइस अभी हम कर लेंगे गैस ऑफ, अभी इसको हम निकाल लेंगे। सो गाइस अभी हम लेंगे एक प्लेट जिसको हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। अभी हम इसका छिलका उतार लेंगे, कुछ इस तरीके से हम छिलका उतार लेंगे अच्छे से। सो गाइस अभी हम अच्छे से इसको कट कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने इसको कट कर लिया है। गाइस अभी हम दोनों को अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि दोनों का टेस्ट लाजवाब आ सके। सो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा रेडी हो गया है। सो गाइस अभी हम कर लेंगे गैस ऑन। अभी हम रखेंगे इस पे मिट्टी का बर्तन। सो गाइस अभी हम डालेंगे इसमें ऑयल 5 चम्मच। ये सो गाइस हम डालेंगे ये सूखी मिर्च। सो गाइस अभी हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच रई, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच हींग। गाइस अभी हम डालेंगे ये पेस्ट जो लहसुन और अदरक की है, सो वो भी डाल देंगे हम 1 चम्मच। फिर डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च, फिर डाल देंगे ये सारी सब्जी। सो गाइस अभी हम इसको रोस्ट कर देंगे 5 मिनट के लिए। सो गाइस अभी हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। अभी हम इनको मिक्स कर लेंगे और अभी हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। सो गाइस हमने ये जो मैश करके रेडी करा था बैंगन और टमाटर ये हम डाल देंगे इसमें। सो गाइस अभी हमारा ये रेडी हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर से डालेंगे ये धनिया। सो गाइस हमारा रेडी हो चुका है ये। अभी हम कर लेंगे गैस ऑफ। अभी हम करेंगे इसकी प्लेटिंग, तो चलिए शुरू करते हैं हम प्लेटिंग। सबसे पहले ले लेंगे हम ये एक मिट्टी का बर्तन जिसमें हम डालेंगे हमारी यम्मी एंड टेस्टी डिश। आप देख सकते हैं। सो गाइस इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया, फिर डालेंगे हरा लहसुन। सो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारी हो चुकी है रेडी डिश। सो गाइस हमने ये बना तो लिया लेकिन खाएंगे किसके साथ, तो चलिए वो भी बताते हैं। हम एक प्लेट लेंगे उसमें ये रखेंगे, फिर इसका पार्टनर तो चाहिए ना। सो ये रहा इसका पार्टनर, बाजरे का रोटला। और ये खाने के बाद हमको कुछ पीने का तो मन होगा, तो ये रही हमारी बटर मिल्क।